नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। साल के अंत में निकाय चुनाव है और सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत लगाकर संगठन के विस्तार में लगी हुई हैं। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इसे 8 जोन में बांटकर संगठन का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ मोहल्ला प्रभारी बनाए जाएंगे। वहीं 3 जुलाई को आप यूथ विंग हर एक जनपदों में ड्राफ्ट भेजकर अग्निपथ योजना का विरोध जताएगी। इस क्रम में प्राइम टीवी से खास बातचीत में संजय सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 3 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार को उजागर करने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी है। अग्निपथ योजना भारत की सेना के साथ गद्दारी है। अग्निपथ योजना भारत की सरकार को, भारत की सेना को कमजोर करने की योजना है। और 10 से 15 साल के अंदर इस योजना के तहत अगर 35 से 40 हजार जवान हर साल सेना में कम होंगे तो 10 से 15 साल के अंदर देश की सेना आधी हो जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। साल के अंत में निकाय चुनाव है। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में विस्तार को लेकर सेक्टर वाइज वहां लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, आज निकाय चुनाव को लेकर सेक्टर वाइज प्रांत वाइज लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और निकाय चुनाव में आप कैसे उतर रहे हैं, क्या पैतवा होगा? 8 जोन में बांटा गया है संगठन की दृष्टि से। पश्चिम प्रांत, ब्रज प्रांत, रुहेलखंड प्रांत, बुंदेलखंड प्रांत, अयोध्या प्रांत, काशी प्रांत, बौद्ध प्रांत, पूर्वांचल प्रांत, इतने प्रांतों में हमने इसको बांटा है और सब जगह के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 स्थानों पे हमारे प्रभारी घोषित किए गए हैं। अब तक 7,000 हमारे वार्ड प्रभारी बन चुके हैं। 2,000 जगह कमेटियाँ बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके हम इसको मोहल्ला प्रभारी तक अपना संगठन ले जाएंगे। नगर निकाय के चुनाव में मजबूती से आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भारी सफलता आम आदमी पार्टी को मिलेगी। अच्छा, तिरंगा शाखा की तैयारी की जा रही है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए, तिरंगा शाखा जो है वो समाज में जाति धर्म का भेद मिटाने की एक पहल है। तिरंगा शाखा भारत के संविधान के प्रति लोगों के मन में आस्था पैदा हो, इसकी एक कोशिश है। तिरंगा शाखा भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को ख़त्म करने की एक कोशिश है और तिरंगा शाखा सही मायने में देशभक्ति क्या हो सकती है इसको समझाने की कोशिश है। तो इस पहल का स्वागत होना चाहिए। 1 जुलाई से पहले दिन ही लगभग 500 शाखाएं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगेंगी, उसकी शुरुआत हो रही है, इसकी जानकारी मैंने दी। सर, आखिरी सवाल, उदयपुर में ट्रेलर की एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, उदयपुर की जो घटना है वो इंसानियत और मानवता पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ये हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ हैवानियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कोई तालिबान नहीं है कि आप किसी का गर्दन काट के और वीडियो बनाएंगे। तो उन लोगों के खिलाफ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को सभ्य समाज में रहने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ उदयपुर की घटना को लेकर उनकी तरफ से निंदा की जा रही है और इस मामले को फास्ट्रैक कोर्ट में फैसला सुनाने की बात भी कही जा रही है। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर उन्नाव से है, जहां हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी ने नेतृत्व में उदयपुर की घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंक अपना विरोध जताया है। साथ ही विमल द्विवेदी ने मौलाना मदनी और देवबंद के उन मौलानाओं पर भी कार्यवाही की मांग की है।
हिंदुओं पर आघात किया जा रहा है, लगातार हिंदुओं पर जो खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक आम जनमानस, एक गरीब आदमी को सिर्फ इस बात पर डाल दिया गया कि एक उसने अपने समर्थन में नुपुर शर्मा जी का उसने डीपी लगा लिया उसके बच्चे ने, और उस पर हत्या कर दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर लगातार ये नजरें गड़ाए हुए हैं, नेताओं पर, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है। मैं इस तरह से पूरी तरह से माननीय अमित शाह जी से, माननीय योगी जी से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से मौलाना मदनी द्वारा जहर लगातार हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध और हिंदू देवताओं के विरुद्ध लगातार जहर उगला जा रहा है, और देवबंद में तमाम ऐसे मौलाना हैं जो लगातार इस तरह से बयानबाजी, इस तरह से जहर उगल रहे हैं, इन पर लगातार। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन पर हुए कन्हैया हत्याकांड के बाद साधु संतों में रोष दिखा है, जिसके चलते राजस्थान सरकार पर अमेठी के अभय चैतन्य बाल ब्रह्मचारी मौनी महाराज ने सवाल खड़े किए और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मा का जो बयान है वह एक संप्रदाय विशेष के उस पुस्तक का एक अंक है जो उसमें लिखा हुआ था, उसको लेकर के पूरे देश का लाइन ऑर्डर खराब करना, उस पर पत्थरबाजी करना, दीवाल तोड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान करना, समाज में आतंकवाद पैदा करना, और एक समर्थक जो ये एक बड़ा कलंकित प्रश्न हो गया है कि तालिबानी तरीके से, अक्सर तालिबानी मेरे देश में पैदा हो रहे हैं, तालिबानी तरीके से एक गरीब परिवार के टेलर की जो कपड़ा सिल के परिवार पालता था, पुलिस की लापरवाही। मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत अचल ताल विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का है, जहां बीते दिन राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अचल ताल पर जोरदार प्रदर्शन किया है और आतंकवाद का पुतला फूका है। वही पुतला फूकने और धारा 144 के उल्लंघन के चलते पुलिस ने बजरंग दल के करीब दर्जन भर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, ये राजस्थान में एक घटित घटना के बारे में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनको बताया गया कि यहाँ पे धारा 144 मौजूद है, किसी प्रकार का इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद भी ये लोग इकट्ठे हुए, इसलिए इनको यहाँ से हटाया गया। प्रदर्शन साफ था, जिहादी आतंकवाद के खिलाफ था, आतंकवाद का हमको पुतला फूंकना था, वो हमने फूंक दिया है, और न हम प्रशासन से चाहिए 50 करें, 100 करें, सबको हाउस अरेस्ट करने, न डरने वाले न डरेंगे, यहाँ खड़े चाहे अभी उठा के। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में पुतला दहन का ऐलान करने वाले हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा को प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए उनके साथियों के साथ ही बजरिया निहालचंद स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया है, जिसके बाद सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने हिंदू महासभा नेता के घर पहुंचकर गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा। मैंने कल आप लोगों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखा था कि उदयपुर में एक जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई, जो कि पहले से अलाउंस करके हत्या की गई, बहुत बड़ा अपराध था। उसके लिए हम सब हिंदू भाइयों को मैंने आह्वान किया था कि आज उन जिहादियों का पुतला फूकेंगे फुब्बारे पे। प्रशासन का लगातार सवेरे जब से मैंने पोस्ट डाली है, जब से मैंने लोगों से कहना शुरू किया, तब से लगातार प्रशासन का सहयोग के लिए फोन आ रहा है। तो एक बार मैंने प्रशासन का सहयोग करते हुए एक बार इस पुतले को ना फूंक के एक ज्ञापन दिया है, अगर इस पे अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होगी तो हम जल्दी से जल्दी पर पुतला फूंकने की कार्रवाई करेंगे। एक संगठन है कि अखिल भारत हिंदू महासभा, उनके द्वारा जो आपके उदयपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध में उन्होंने अपना ज्ञापन गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिया है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर उनके घर पे आके ज्ञापन लिया है, और हम इस ज्ञापन को डीएम साहब के माध्यम से जो संबंधित। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सपा जिला अध्यक्ष छविनाश यादव पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने छविनाथ यादव की संपत्ति सीज करने का नोटिस लगाया है। इस दौरान एसडीएम और सीओ भारी फोर्स के साथ जिला अध्यक्ष छविनाश यादव के विद्यालय पहुंचे। मुकदमा अपराध संख्या 199/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसका मुकदमा कायम हुआ था, जिसके अंतर्गत 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अंतर्गत
इसकी 6 संपत्तियां जो है कुर्क की गई हैं, जिसमें देहरी जमालपुर में डिग्री कॉलेज है जो कुर्क किया गया है, और इसकी ज़मीन है जिसमें कई गाटा संख्या हैं जो डीलरगंज में हैं और मऊदारा में स्थित हैं, वो कुर्क की गई हैं। 2 गाड़ियां भी हैं सफारी, उनके भी कुर्क का आदेश है, उनको भी शीघ्र कुर्क किया जाएगा। माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसके एग्जीक्यूशन के लिए हम स्वयं SDM कुंडा, CO कुंडा, इंस्पेक्टर मानिकपुर, इंस्पेक्टर कुंडा जो विवेचक हैं इस मामले में, साथ में राजस्व के राजस्व इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल कंसर्न हैं, और उन भूमियों को चिन्हित करके, उन भवनों को चिन्हित करके उन पर बोर्ड लगा दिया जा रहा है। यह इस अधिनियम के तहत जनपद बुलंदशहर के डिबाई तहसील में सरकारी राशन की कालाबाजारी चरम पर है। डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव अनूपशहर रोड पर सूचना पर SDM पहुंचे और एक गाड़ी पकड़ी। बता दें प्राइवेट कट्टों में चावल भरे हुए थे, सरकारी राशन वितरण का चावल कालाबाजारी के लिए गाड़ी अनूपशहर ले जाई जा रही थी। जब प्राइम टीवी के संवाददाता ने SDM गजेंद्र सिंह से संपर्क किया तो SDM ने बताया कि जाँच की जा रही है। तपती गर्मी ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल के रख दी है, यही कारण है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं भी लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। उमस भरी गर्मी के कारण आम जनता तो बीमार होती दिख रही है, तो वहीं अब तपती गर्मी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरे तरीके से बीमार नजर आ रही है। यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट पंखे और कूलर लगाकर लोग इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के जिला चिकित्सालय का है। अच्छा, तो आप कहाँ पर भर्ती हैं? मलखान सिंह में भर्ती हैं? आप कहाँ भर्ती हैं? इलाज के लिए मलखान सिंह में। अच्छा, आप राजकुमारी जी, देखने को मिल रहा है आपके पीछे पंखा है, ये आपका अपना पंखा है या अस्पताल ने दिया? आपका अपना है, तो क्यों लेकर आई हैं आप अपना पंखा? अच्छा, गर्मी है बहुत, तो इसको लेकर आपने कभी अस्पताल के प्रशासन से कहा कि या कुछ कूलर वगैरह की व्यवस्था करी जाए? गर्मी बहुत है, परेशानी हो रही है, गर्मी बहुत है ना, परेशानी बीमार है। तो पंखा आपको अपने लाना पड़ा है? अपने लाना पड़ा है। जब जाकर आपको आराम मिला है? कौन सा अस्पताल है, क्या बीमारी हुई थी? जिला चिकित्सालय। क्या हुआ था? अच्छा, गर्मी का क्या इंतजाम है? बहुत बेकार। पंखा है? पंखा नहीं है। अच्छा गौरव, ऐसी क्या आपको पता लगा कि आप जो अपना खुद प्राइवेट पंखा लेकर आए? सर यहाँ पंखा नहीं है, घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा, कूलर भी बंद था, पंखा तक साइड में लगा हुआ था, इसलिए हम अपना प्राइवेट पंखा लेकर आए। यानी कि आपको अपने आराम के लिए आपको अपना पंखा लाना पड़ा है, यहाँ कोई पंखे के नाम खबर कुशीनगर से है, जहां एक युवक की शिकायत पर एक निजी हॉस्पिटल को जांच के बाद सील कर दिया गया, जिसके बाद युवक ने मुख्यमंत्री जी को पत्र सौंपकर बताया कि 2021 में डॉक्टरों ने उसकी गर्भवती पत्नी का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उसकी पत्नी की तबीयत लगातार खराब होने लगी। जांच कराने पर पता चला कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कॉटन छोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर अस्पताल को सीज कर दिया है। मरीज के पति द्वारा शिकायत की गई, यहां मौके पर आने पर अस्पताल के संचालक उपलब्ध नहीं थे, संचालक की मैडम थी, उन्होंने जांच में कुछ सहयोग करने के बाद असहयोग करना शुरू कर दिया। अस्पताल के पंजीकृत चिकित्सक नहीं उपलब्ध मिले, अस्पताल में पंजीकृत स्टाफ नर्स नहीं थी, अस्पताल में पंजीकृत ANM नहीं थे, अस्पताल में एक मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर में कोई डी फार्मा किया हुआ कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला, जिसका ड्रग लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया। इन सब वजहों को ध्यान में रखते हुए आज 28/5 को अनुष्का। खबर फरुखाबाद से है, जहां नगर पालिका परिषद ने पॉलिथीन के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। दुकानदार को पॉलिथीन की बिक्री ना करने और लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल करने से बचने के लिए जागरूक किया। वहीं इस दौरान EO रविंद्र कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है, उसी संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली जा रही है और ये कार्यक्रम अभी निरंतर जारी रहेगा। देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जो है अभियान, जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो रहा है और ये लगातार 3 जुलाई तक चलेगा और प्रत्येक दिन जो है इस अभियान के तहत एक्टिविटी की जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा और जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक मार्केट में है उसको जो है। खबर हरदोई से है जहां बिलग्राम तहसील क्षेत्र के बुड्डनपुरवा में दबंग कुआं के पास दरवाजा रखकर विवाद खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक कुएं का प्रधान से मिलकर सौंदर्यीकरण कराया है। आपको बताते चले कि सड़ियापुर के मजरा बुड्डनपुरवा में कुआं पूजन के पास निकास को लेकर विवाद चल रहा है जिसमें ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत करते हुए निकास को बंद करने की मांग की है और चार दीवारी उठाकर चारों तरफ से सौंदर्यीकरण में विवाद खड़ा करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूरे गांव में बारात से पहले इसी कुएं पर पूजन किया जाता है जिसे कब्जाने की नीयत से दबंग शिव कुमार निकास के लिए दरवाजा रख रहा है जबकि उसका पहले से आगे से निकास है। वहाँ पर विवाद चल रहा है जब पुराने पुरीखन कह रहे हो कुआं बनो सो लोहारन बनवाओ आई पर कुआं बारो पूरे गांव को होती है शादी ब्याह में यहाँ। अच्छा अब जब जब गेट धज जाई ही तब कुआं बारो काहे को ही। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो सुरक्षित रहा ही। तो गेट नहीं आप निकलने नहीं देना चाहते हैं? पूर्वजों से यहाँ पर पूरे गांव के कुआं बारे होते हैं जिस पर इसीलिए मतलब इसको छुड़ाया जा रहा है, गेट बंद कराया जा रहा है। अब ये ज़बरदस्ती गेट रखना चाहते हैं। अगर अगर मतलब गेट रखने से आपको क्या नुकसान है? गेट रखें रास्ता चले खटिया डारी पर ही हैं जी। पूरे गांव का यहाँ पर क्या कार्य होता है? इसको यहाँ कुआं बारे होते हैं शादी बरातन में। यहाँ क्या चाहते हैं आप लोग? ये गेट बंद हो, गेट अपनी जगह पर रखें, वहाँ पर काहे गेट रखें? क्यों अगर गेट रख लेंगे क्या आपको इसमें क्या आपत्ति है? दिक्कत है ना ही, सबके लिए दिक्कत है एमा। बेटा बंद कर ले और का बंद कर ले ही। क्या होता है इस कुआं पर? शादी होती लड़कन के लिए। क्या नाम है आपका? समझ ना है मैं आपत्ति कुआं गांव में बेटा जगह कब्जा करें बेटा इनमा की है बेटा आज गेट भरे के बोर कब्जा करी हूं। क्या होता है इस कुएं पर? यहां गांव भरे कुआं बारे होत शादी नहीं होती शादी ब्याह में यहां कुआं बारे होत। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम गेट बंद करो चाहते। सार्वजनिक कुआं है पूरे गांव के, इस पे कुआं बारे होते हैं है? और ये ज़बरदस्ती अपना गेट रखना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग इस गेट से इतराज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, गेट नहीं रखा जाएगा इनका गेट उत्तर। खबर प्रयागराज से है जहां संगम नदी प्रयागराज की यमुना पार कोराव थाना क्षेत्र में एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 9 क्विंटल 29 किलोग्राम गांजा बरामद किया है और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह एसटीएफ की फील्ड यूनिट प्रयागराज के टीम द्वारा अंतरप्रांतीय गांजा तस्कर के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये जनपद प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से 9 क्विंटल 29 केजी गांजा बरामद हुआ है जिसका अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25। खबर श्रावस्ती से है जहां सिरसिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक पर 25,000 रुपए का इनाम था। श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है जहां पुलिस को युवक के जोखवा बाजार स्थित घर में होने की सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को दबोचा है। सिरसिया पुलिस द्वारा एक साथी वन माफिया जो 25,000 का इनामी था उसको गिरफ्तार किया गया है। ये कई महीनों से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में मानचित चल रहा था और इसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। आज पुलिस ने
खबर गाजियाबाद से है, जहां जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो चलती ट्रेन के गेट पर बैठे लोगों का मोबाइल झपट्टा मार कर लूट लेते थे। बता दें कि पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। एसआरपी मौर्य श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी संबंध में हमारे यहाँ दो घटनाएं लास्ट 36 घंटे में हुई है, जिसमें दो मोबाइल लूटे गए थे साहेबाज क्षेत्र से। इनको 36 घंटे के अंदर दो अभियुक्त शमीम और प्रेम को गिरफ्तार किया गया। दोनों लूट के मोबाइल इनसे बरामद किए गए और इनसे 10 खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बहन ने ही बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक बड़ी बहन ने ही अपनी छोटी बहन के साथ गैंगरेप करवाया और उसकी हत्या करवा दी। तो वही इस मामले में मृतक की बड़ी बहन सहित पुलिस ने 6 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी तफ्तीश शुरू की। लगभग 5 टीम्स लगी थी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, जितने भी हमारे आधुनिक सिस्टम्स ने हम लोगों ने लगाया उसमें नावन के लिए, और देर शाम हमें सफलता मिली जब हमें पता चला कि इसमें पिता की जो बड़ी बहन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। उसने ही षड्यंत्र रचा था अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, प्रेमी और उसके मित्र। इस घटना में कुल हम लोगों ने 7 अभियुक्त चिन्हित किए हैं, 6 लड़के हैं, एक ही अभियुक्ता है मृतका की बड़ी बहन। परिजन के सामने लड़की ने, जितने भी लड़के थे सभी लोगों ने पूरी घटना कबूल किया और विस्तार से बताया। इसमें सभी लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। उम्र से अभी तक हमारी विवेचना में खबर अमेठी से है, जहां तहसील के नारायणपुर के एक गांव में एक शख्स का न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित डीएम एसपी से लेकर सीएम तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी रास्ता रोक ली गई। कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा मुझे 5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे रास्ते रोक रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पुलिस को मिलाकर मेरे ऊपर कार्रवाई करा रहे हैं, मुकदमेबाजी करा रहे हैं, ना रास्ता आने जाने देते हैं, आए दिन आने जाने पर मारपीट भी कर रहे हैं। हम डीएम साहब को कम से कम 10 बार मिले, 20 बार पत्र उनको लिखा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 5 बार एसपी साहब से, एडिशनल साहब से मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष खबर सोनभद्र से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र यशवीर सिंह के निर्देश में जिले में गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। वहीं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की लगभग 86,17,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंद्रापुरम थाना क्षेत्र की जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में एक वृद्ध महिला ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर रहती है यहां पर सी ब्लॉक में। अब इनका सुसाइड नोट मिला है, उसमें डिप्रेशन में थी, तो इस वजह से एल ब्लॉक में किस तरीके से गई, हमारे कैमरे तो है नहीं, इस बारे में बोल नहीं सकते कुछ कैसे गई कैसे नहीं। ये आंटी जी बहुत अच्छी थी और हमारे यहाँ सोसाइटी में वाहगुन मेंशन में मंदिर है और मंदिर में ये आती थी, रोज़ पूजा करती थी, प्रसाद बंटता था, सब कुछ सही था। लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिली है कि इनको ना कुछ प्रॉब्लम थी डिप्रेशन की, तो उसका इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी इनको, इनकी यहाँ बेटी रहती है जयपुरिया सनराइज में, और इन्होंने यहाँ आके, बेटियाँ थी नहीं, हरिद्वार गई हुई थी, तो यहाँ आके पता नहीं क्या दिमाग में आया और इन्होंने ऊपर से जाके, और प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।